जय हिंद दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र को पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका था। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी गया था कि गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से, यानी कि उद्गम कहाँ से हुआ है ना। इस तरह से अगर छोटे लेवल के एग्जाम का अगर आप दीजिएगा, लोअर लेवल के एग्जाम, किसी भी एग्जाम, तो वहां से आप अगर गंगा नदी का उद्गम पूछेगा तो गंगोत्री या गोमुख मार सकते हैं। लेकिन यही कमीशन लेवल के एग्जाम अगर आप प्रश्न एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको इस तरह से प्रश्न नहीं पूछेगा। आपको प्रश्न पूछेगा कि गोविंद सागर, आपका गोविंद प्रयाग पर किन दो नदियों का संगम है, तो कौन होगा, भागीरथी और भेलांगना। उसी प्रकार देख लीजिए कर्ण प्रयाग पर, तो पिंडार और अलकनंदा। उसी प्रकार देख लीजिए, मतलब अलग अलग आपको इस जो फिगर पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं उस पर बेस्ड आपको पूछेगा। अगर उस मानचित्र को अपने दिमाग में एक दो बार बना लीजिएगा हाथ से, और उसके बाद आपको दिमाग में खुद अपने आप मतलब स्टॉक हो जाता है। देखिए हमारा दिमाग है कि पर सॉफ्टवेयर चढ़ाने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि सब चीज हमारा दिमाग याद रख सकता है ना। तो याद कब कैसे होगा, तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ा। तो प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपको चीजें बार बार रिवाइज हो जाता है, उसे आपको दिमाग पर चढ़ जाता है। जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति को अगर बार बार उस व्यक्ति को देखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार बार बार आप रिवाइज कीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो समझेंगे, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि गंगा नदी में का उत्तराखंड में गंगा नदी का विस्तार देख चुके थे। तो आज के बेसिकली क्लास हम लोग उत्तर प्रदेश में देखेंगे, यानी उत्तराखंड के बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड में थोड़ा सा जगह है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर उसमें जाते आपका बांग्लादेश में। तो आज का बेसिकली हम लोग क्लास गंगा नदी का विस्तार कहाँ देखेंगे, उत्तर प्रदेश में। तो हेडिंग में लिखिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का विस्तार। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का हम लोग विस्तार देखेंगे, तो आपको विस्तार देखेंगे है ना। तो इस तरह से आप बना लीजिए। देखिए आपको पिछले क्लास में बता चुका था कि उत्तराखंड में यानी कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। तो यहां मान बना लीजिए आपका, ये मान लीजिए कि हरिद्वार है, हरिद्वार ये कहां, ये किसका सेक्शन है, तो उत्तराखंड का, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड का सेक्शन है। आप देखिए जो उत्तराखंड यानी हरिद्वार से मैदानी भाग, जितना आप देखिएगा मैदानी भाग मिलेगा। इससे पहले आप जितना भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में वो सब पर्वत यानी कि पहाड़ी एरिया था, है ना। तो हरिद्वार कहाँ में पड़ता है, उत्तराखंड में, और इससे गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो स्थलीय यानी कि मैदानी भाग में, और यहीं पर मृदा अपरदन ज्यादा होगा। तो हम लोग आगे देखेंगे उसको। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, उत्तर प्रदेश का सेक्शन देखेंगे। तो यहाँ एक देख लीजिए उत्तर प्रदेश यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, तो एक उत्तर प्रदेश का शहर है बिजनौर, कहाँ, तो बिजनौर, बिजनौर इसका क्या नाम है, बिजनौर। इसी के गंगा नदी के शहर शहर स्थित है, कौन नाम है, फरुखाबाद, फरुखाबाद। इधर एक है कनौज, इधर है कानपुर, ये आपका देख लीजिए हरिद्वार में एंट्री करेगा, बिजनौर हो गया, फरुखाबाद, यानी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिए यही बिजनौर से। ये सब पूरा सेक्शन देख रहे हैं, सब यूपी का सेक्शन है, यानी यहां से उत्तर प्रदेश स्टार्ट चुका हो चुका है। एक शहर यहां और आपको मिलेगा, कौन, ये आपका हो गया बिजनौर, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर। इधर मिलेगा आपको प्रयागराज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज। एक मिलेगा आपको बनारस, आज इसको हम लोग बनारसी के नाम जानते हैं। इसके बाद ये आपका कौन मिलेगा, कानपुर मिलेगा, ये आपका गाजीपुर हो गया, गाजीपुर, गाजीपुर मिलेगा। और उसके बाद ये लास्ट बॉर्डर का किसका है, गाजीपुर का। उसके बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर देती है, बिहार में, और बिहार का कौन सा जिला है, तो बक्सर, बक्सर, बिहार का कौन जिला है, बक्सर। कुल यानी उत्तराखंड यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर शहर, और बिजनौर से। और आपको ये भी प्रश्न आएगा जनरली जो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी से रिलेटेड प्रश्न आपको इस तरह से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी किनारे स्थित शहर है, तो आपका बिजनौर हो गया, यानी प्रमुख शहर है जो बड़ा बड़ा शहर उसको आपको नाम है, बिजनौर हो गया, फरुखाबाद देख लीजिए, कन्नौज देख लीजिए,
कानपुर देख लीजिए, उसके बाद प्रयागराज, इसम जितना भी शहर देख रहे हैं, गाजीपुर हो गया, इसम सब शहर किसके गंगा नदी के किनारे है, जो किसका से है, तो ये सब उत्तर प्रदेश का सेक्शन है। तो देखिए यही जो कनौज में एक गंगा, यानी एक कनौज में इधर से गंगा आती हिमालय की तरफ से, इसका नाम है राम गंगा। क्या नाम है? राम गंगा। इसका क्या नाम है? राम गंगा। कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में, कनौज में मिलती, कनौज के पास मिलती है राम गंगा। कहाँ? तो गंगा नदी में। इधर से आपको पता होगा कि प्रयागराज में कौन मिलता है, यानी इसी को इलाहाबाद। और यमुना कहाँ से मिलता है? तो प्रयागराज में। तो आपको पता है उत्तराखंड का एक जगह क्या, उत्तराखंड का एक जगह है बंदरपूछ, बंदरपूछ। इस जगह का नाम क्या है? बंदरपूछ। और इसी बंदरपूछ में हिमा एक कौन है, यमुनेत्री ग्लेशियर है। यानी यमुना कहां से निकलती है? तो यमुनेत्री ग्लेशियर से। अगर जगह का नाम पूछेगा तो आपको क्या बताना है? बंदरपूछ। यानी उत्तराखंड का एक बंदरपूछ जगह है, और इसी का एक ग्लेशियर, वहां कौन ग्लेशियर है? यमुनेत्री ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है यमुना। अरे कहां जाकर मिलती है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती है। ये आपका यमुना हो गया, यमुना नदी। यानी यमुना नदी का संगम उद्गम कहां है? तो आप देख लीजिए यमुना नदी का उत्तराखंड के बंदरपूछ जगह के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम हुआ है। अरे कहां जाके मिलती है? तो गंगा नदी में कहां मिलती है? प्रयागराज, ये इलाहाबाद में मिलती है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए तो राम गंगा कहां मिलती है? कनौज में। एक नदी और इधर से आके मिलती है आपका प्रयाग, हाँ इधर से गोमती नदी मिलती है कहां? वाराणसी में। यहां से मिलती है गोमती, गोमती नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में गोमती कहाँ मिलती है? तो बनारस में मिलती है। और देखिए तो गाजीपुर बॉर्डर हो गया, यानी गाजीपुर बॉर्डर है किसको? तो गाजीपुर बॉर्डर है किसका? बिहार और यूपी का। उसके बाद देखिए गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश से निकल कर कहाँ जाती है? बिहार में। और बिहार का कौन सा जिला है? तो बक्सर जिला में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। बिहार में आपको प्रश्न आएगा कि बिहार में कौन गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर में। और बक्सर के कौन सा जगह, प्रॉपर जगह का भी आपको नाम पूछेगा। तो प्रॉपर जगह का नाम क्या है? चौसा। प्रॉपर जगह का नाम क्या है? चौसा, याद रखिएगा। बक्सर का जगह क्या है? प्रॉपर जगह का नाम पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किसे, किस जगह पर गंगा नदी प्रवेश करती है? तो अगर बक्सर रहेगा और चौसा भी रहेगा तो चौसा मारिएगा, लेकिन प्रश्न में दोनों नहीं ऑप्शन में रहेगा, जब भी रहेगा तो आप या बक्सर रहेगा या फिर चौसा रहेगा। अब देखिए इधर से, यानी कि तो पूरा सेक्शन हो गया। और देखिए बक्सर में एक नदी इधर से आकर मिलती है, बक्सर में जाती है, इसका नाम है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा। यानी इसके बारे में कहा जाता है इतिहास में, प्राचीन इसके बाद में कथा कहानी है कि अगर इसमें, इस नदी में अगर कोई नहा लेता है तो उसका कर्म नशा जाता है, कर्म उसका खराब हो जाता है। इस तरह से इसका नाम क्या पड़ा है? कर्मनाशा नदी। यानी कर्मनाशा नदी कहाँ से मिलती है? तो ये आपका बक्सर में मिलती है। बक्सर का कौन सा जगह? चौसा। और यही कर्मनाशा नदी है जो बॉर्डर बनाती है किसके? बिहार, इधर बिहार हो गया, बिहार और इधर यूपी का बॉर्डर बनाती है। कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का पूरा सेक्शन हो गया। इससे आपका रिलेटेड आपका प्रश्न जनरली पूछता है, आपको केवल पूछेगा कि गंगा नदी यानी राम गंगा कहाँ आकर मिलती है, ये पूछेगा। गोमती नदी कहाँ मिलती है, और एक आपका पूछेगा यहाँ से कि चौसा कहाँ मिलेगी। ये ही आपका जनरली पूछता है, इससे आपका कोई प्रश्न यहाँ नहीं पूछता किसी भी कमीशन या किसी एग्जाम में। हाँ, लेकिन यही यह पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन शहर कहाँ स्थित, यानी किस नदी के, यानी गंगा नदी, आपको प्रश्न आया कि प्रयागराज स्थित है तो गंगा नदी के किनारे। ध्यान में रखिएगा कि कौन सा है। एक बार और प्रश्न आया था कि निम्नलिखित को सजाइए, यानी कि इधर हो गया पश्चिम से पूरब जाने में, पश्चिम से पूरब जाने में गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। तो आपका याद रखिएगा बिजनौर, फरुखाबाद, कनौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर है ना, इसमें प्रमुख शहर है। यानी कानपुर, प्रयागराज, एक एक, एक, हाँ, एक और शहर है, इसका नाम है चुनार, याद रखिएगा। ये आपका इस हिस्ट्री के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हम आपको लिखवाती है। तो ये आप फिगर बना लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिहार में गंगा नदी का विस्तार देखेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार है तो बिहार में आपको स्पेशली बिहार से रिलेटेड प्रश्न आएगा ही। तो हम लोग बिहार में पूरा डिटेल रूप से गंगा नदी का विस्तार देखेंगे, गंगा नदी का जो सहायक नदी है बिहार में उसको देखेंगे, साथ ही कि उसके अंदर जो क्या क्या जो इम्पोर्टेंस है गंगा नदी में बिहार से रिलेटेड, उसको हम लोग सभी को हम लोग पिछले यानी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसको फिगर में बना लीजिएगा, हेडिंग में लिखिएगा उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का विस्तार, और ये फिगर बना लीजिएगा। जनरली आप कुछ लैंग्वेज में लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल आप फिगर को समझ जाइएगा तो वही काफी है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें तो गंगा नदी का विस्तार कहाँ देखेंगे, बिहार में। तो है ना, तो हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर नया स्टूडेंट है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।